कॉपी यहाँ पे पड़ी है। कहाँ? ऊपर बोरी सामने। ओके। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रेसिपी कोफ्तों की, घी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि तनु बनाएगी और हाँ मैं खाऊंगी, तनु बनाएगी और हम आपसे शेयर करेगी। तो अभी हम अभी ये जो घी हमने कट करके रखा हुआ है, अभी हम इसको कद्दूकस कर रहे हैं। कद्दूकस करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तनु अभी बना रही है भाई के लिए कॉफी। थोड़ी सी मैं भी लूं क्या? मैंने तो बना ली। ओके, तनु ने कॉफी बना भी दी है बड़ी जल्दी। नहीं है तो बना दूंगी, वेरी फास्ट गर्ल। थोड़ी सी सोच रही हूँ, वैसे तो इसी में दूध डाल देती हूँ, छोड़। ओके, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे कोफ्ते। तो अभी हम आपसे मिलते हैं कद्दूकस को। तो अभी हमने ये जो घिया है इसको छीले, इसको हम करेंगे पहले कद्दूकस और उसके बाद हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो मिलते हैं हम आपसे कद्दूकस करने के बाद। यहाँ पे तनु ने मेरे लिए कॉफी रेडी कर रखी है, अभी मैं साथ ही साथ कॉफी भी पीऊंगी, बट अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ और कद्दूकस करते हैं। कोफ्ते की रेसिपी काफी अच्छी लगती है, जो कोफ्ते बनते हैं ना, जो इनको कढ़ाई में तलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। पकौड़े ही लगते हैं, पकौड़े बड़ा मजा आता है। घी के पकौड़े ही होते हैं। जब भी मम्मी बनाती थी तो हम वही घी के पकौड़े खाते थे। वही खाते खाते चले जाके मम्मी कहती थी सब्जी कम हो गई है मेरी। तो यहाँ पे डोली जितने में घिया कद्दूकस करी है, उतने मैं यहाँ पे कद्दूकस नहीं सॉरी उतने मैं यहाँ पे चॉप करूंगी इन प्याजों को, छील के चॉप कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पे घिया जो है वो कद्दूकस हो चुका है। इस तरह घिया जो होता है वो पानी छोड़ता है, तो पहले हमने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है ऐसे। पहले से अच्छे से निचोड़ लीजिए, अच्छे से निचोड़ के पानी सारा निकाल देना है। यहाँ पे अच्छे से इसका पानी निकल चुका है सारा। तो ऐसे ही सारे के सारे देख कितना सारा पानी, घिया पानी बहुत छोड़ता है, जितना बड़ा रहे उतना पानी छोड़ता है। घी की सब्जी में तभी तो पानी भी कम डलता है। जब ये पानी छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, जैसे पालक हो जाती है। हाँ। तो बलने के बाद थोड़ी सी, चाहे हाथ से निचोड़ लो, चाहे फिर इसको कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते, निचट जाएगा, बट हाथ से मेरा सही है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम इसमें पहले बना रहे पहले डाल रहे हैं, नहीं नहीं ये घी को कद्दूकस करके मैं पहले बना रही हूँ इसके पकोड़े। उसके लिए भी आपको चाहिए घी को कद्दूकस करने के बाद बेसन, छान के रखा हुआ ये बेसन, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच, दो चम्मच, और पानी नहीं डालना है। देखो दो चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया। तो यहाँ पे अब पहले जो मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, पहले इसके अंदर मैं वो भी डाल दूंगी, प्याज और हरी मिर्च को सारा। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक, नमक कम ही डालना है क्योंकि ये पकोड़े बना रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा ना हो जाए। थोड़ी सी मिर्च, थोड़े से स्पाइसी, स्पाइसी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया इतना, थोड़ा सा गरम मसाला, बस ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमें अभी इसके अंदर पानी डालने की जरूरत है या नहीं। वैसे पानी नहीं डालेगा इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी ये घिया जो है गीला होता है, तो अभी अच्छे से हम इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे सारा की सारा बेसन को। ये देख डोली, यहाँ पे ये पानी की जरूरत नहीं है इसमें, इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे और फिर घिया जो है अपना पानी छोड़ता रहेगा और बेसन इसमें घुल जाएगा, घिया और बेसन मिक्स हो जाएगा। फिर पानी अगर डालने की जरूरत पड़ती भी है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पानी नहीं डलता इसमें। इस तरह से पूरा की पूरा रेडी हो जाएगा इस तरीके से कि हम इसके पकोड़े जो वो तल पाए। और जो हम प्याज इसमें डाले हैं ना, प्याज और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको प्याज नहीं डालने तो ऑप्शनल है वैसे प्याज, चाहे आप मत डालो प्याज भी और हरी मिर्च भी, नमक मिर्च डाल दो चाहे सूखा धनिया थोड़ा सा बस। जब तक यहाँ घी गर्म हो रहा है तब तक हम दोनों प्याज टमाटर चॉप कर लेते हैं। वैसे मैंने प्याज छील दी है वहां पे और अब फटाफट चॉप करती हूँ, तब तक यहाँ घी रेडी हो रहा है। तनु यहाँ लहसुन अदरक कर रही है और लहसुन अदरक हम कूट के डालेंगे अच्छे से। हाँ। दो रिसोटे में मसाले के लिए मैंने ये दो प्याज लिए बड़े बड़े, तो मैं इनको अभी यहाँ पे चॉप कर रही हूँ।
बहुत तीखे प्याज होते हैं, आपको भी चुभने लग जाते हैं। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है और अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठा के तलते रहेंगे। थोड़ा सा गैस को वो कर देना है, ना सिम ना तेज, मिड पे रखना है गैस को ताकि हमारी ये पक जाए। एक बारी में ही अच्छे खासे आ जाएगा ना। हाँ आराम से, ज्यादा ढीला हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा और बेसन इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे किसी से गलती से हो जाए तो। हाँ वैसे भी हो जाता है ढीला। हाँ घी वो पानी छोड़ देता है। कोफ्ते की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, बट इतना अच्छा लग रहा है खाने में, बिल्कुल अच्छा लग रही है खाने में। नहीं सोच देख दो बारी में तो इतना देंगे, ठीक है ये? ठीक है, ये मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं सारे के सारे। और ये रहे हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम दूसरे वाले भी बना लेते हैं। वाओ ठीक है, चलो अब तो बना ले दूसरे और पकोड़े। ठीक है अभी हमारा पकोड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप जो है इसी कढ़ाई के अंदर ही कर देंगे। पकोड़े तलने के बाद जो आपका ज्यादा घी है उसको हम थोड़ा कम कर लेंगे और फिर हम इसी घी में ही तड़का जो है वो रेडी करेंगे सब्जी के लिए। ठीक है तो ये घी अभी हम कम कर लेंगे थोड़ा सा। गाइस मैं कुछ ही खा रही हूं, आपको खाना चाहूंगा मैं कुछ कुकी। ये इसका गरम है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये डाला थोड़ा सा हमने जीरा। ओह शिट यार बिल्कुल पास में हो गया वो मेरे तो। और जो मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट रेडी किया था वो भी इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक अच्छे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, भून जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे ये वाले प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे, दो प्याज वो वाले होंगे। और प्याज में थोड़े से बारीकी काट लेना, मतलब बहुत ज्यादा मोटे नहीं लगेंगे, थोड़े से बारीक प्याज में अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी हमारे प्याज जो है वो अच्छे से अब हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे। एक दो और ये तीन टमाटर, दो मैं हरी मिर्च लूंगी इसके अंदर। ठीक है तो प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी, उसमें हम प्याज में डाल देंगे थोड़ा सा सूखा धनिया ताकि हमारा सूखा धनिया जो है वो साथ के साथ में भून जाए। हम सूखे धनिया के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। जैसे भून चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। नमक मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी क्योंकि हमने पकौड़ों में ऑलरेडी नमक मिर्च डाली है, तो ये हाफ चम्मच नमक, लाल मिर्च। तड़का अभी हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला पानी, डेढ़ कटोरी जितना पानी लग जाएगा इसके अंदर। वो डोली बना रही है उतने रोटी जितने हमारा सब्जी का पानी बॉइल हो रहा है अच्छे से। ये अब रेडी हो चुका है, हम इसमें थोड़े से हमारे पकौड़े डाल देते हैं। तो पकौड़े डाल दिए मैंने और अब ये थोड़ी सी अच्छे से और उबल जाए तो साथ के साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, गरम मसाला वो हरे, हाँ भाई मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया। आप इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया खत्म हो रखा है तो इसलिए आप हरा धनिया इसमें डालो, बहुत टेस्टी लगेगा। आई होप आपको तन्नू के हाथ की रेसिपी अच्छी लगे, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इस तरीके से सब्जी कौन कौन बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।